शेयर बाजार में पेनी स्टॉक सभी निवेशकों को आकर्षित करते हैं क्योंकि इनकी कीमत बहुत कम होती है। अगर आप भविष्य में बढ़ने वाले पेनी स्टॉक ढूंढ लेते हैं तो आप भी शेयर बाजार में अमीर बन सकते हैं। अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि फ्यूचर में कौन सा शेयर बढ़ने वाला है तो आपको शेयर बाजार में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी बेस्ट पेनी स्टॉक्स खरीद कर मल्टी बिगर रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज मैं आपके लिए काफ़ी रिसर्च करने के बाद फ्यूचर में बढ़ने वाले पेनी शेयर का लिस्ट लेकर आया हूँ। पेनी स्टॉक की इस लिस्ट में बताए गए सभी शेयर फ्यूचर में शानदार रिटर्न देने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं कि शेयर बाजार के सबसे अच्छे पेनी स्टॉक के बारे में। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड यू आर वाचिंग रोहित ऑफिशियल जीरो चैनल। अगर आप भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अच्छी अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर। तो चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। फ्यूचर में बढ़ने वाले पेनी शेयर मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, तब तक थोड़ा बहुत इसको जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो चलिए फर्स्ट नंबर पर जानते हैं कि कौन सा वो स्टॉक है। फर्स्ट नंबर पे आता है कोठारी शुगर एंड केमिकल लिमिटेड। फ्यूचर में बढ़ने वाले पेनी शेयर की लिस्ट में सबसे पहला शेयर है कोठारी शुगर लिमिटेड। अभी इस कंपनी की मार्केट कैप 400 करोड़ से भी कम है और शेयर की कीमत 60 रुपये से कम है। यह कंपनी चीनी निर्माण करने के साथ साथ एथलॉन भी बनाती है, जिसे ईंधन के तौर पर भी उपयोग में लाया जाता है। फ्यूचर में इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है। आपको पता होगा कि आने वाले समय में सरकार गाड़ियों में पेट्रोल डीजल के स्थान पर एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में करने की तैयारी में है, क्योंकि यह कंपनी चीनी भी खुद बनाती है, इसलिए एथेनॉल के निर्माण में इन्हें चीनी खरीदने के लिए किसी अन्य कंपनी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, जो इन्हें कॉम्पिटिशन से आगे रखता है। फ्यूचर में इस पेनी स्टॉक का कारोबार बढ़ने के साथ साथ शेयर प्राइस में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि अभी यह बहुत छोटी कंपनी है, फिर भी इसका बिजनेस फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर कुछ कारण दिए गए हैं जो बताया गया कि यह पेनी स्टॉक फ्यूचर में कितना शानदार रिटर्न दे सकता है। तो चलिए आप जानते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाला है। कंपनी के पास मजबूत ऑर्डर बुक है, बिजनेस बढ़ाने के लिए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। शेयर का पीई रेशियो बहुत कम यानी कि 7 के आसपास है। कंपनी लगातार अपना डेट कम कर रही है। फंडामेंटल देखने पर यह स्टॉक मजबूत दिखाई पड़ता है। अगर कंपनी आने वाले समय में अच्छा तिमाही नतीजे दिखाती है तो स्टॉक अच्छी कमाई करके दे सकता है। सभी पैरामीटर्स को देखते हुए लगता है कि फ्यूचर में यह पेनी इंद्रप्रस्थ मेडिकल दे सकता है कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सेकेंड नंबर जानते हैं इंद्रप्रस्थ मेडिकल। कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 572 करोड़ है और शेयर प्राइस 162 रुपये के आसपास है। यह हेल्थ केयर सेक्टर का पेनी स्टॉक है, जो अपोलो हॉस्पिटल के साथ जॉइंट वेंचर है। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड फ्यूचर में हमेशा बनी रहेगी, इसलिए हमने फ्यूचर में बढ़ने वाले बेस्ट पेनी स्टॉक की लिस्ट में इंद्रप्रस्थ कॉर्पोरेशन शेयर को रखा है। कंपनी लगातार अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी सुधार देखने को मिल रहा है। अपोलो हॉस्पिटल जैसे बड़ी कंपनी के साथ इनका व्यापार है। अपोलो प्रो हेल्थ प्रोग्राम में यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम जैसे नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। अभी कंपनी का 96% रेवेन्यू सिर्फ नई दिल्ली से आता है, लेकिन फ्यूचर में यह कई राज्यों से एक्सपेंड करने वाली है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह डेट की कंपनी है। शेयर की पीई रेशियो अभी सिर्फ 9 के आसपास है और प्रमोटर शेयर होल्डिंग भी बढ़िया 55% के अप्रोक्स हैं। फ्यूचर में इंद्रप्रस्थ कॉरपोरेशन का पेनी स्टॉक शानदार रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। अगर आने वाले समय में कंपनी अच्छी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती है तो यह पेनी शेयर फ्यूचर में मल्टी बिगर भी बन सकता है। थर्ड नंबर पे है सैकसॉफ्ट लिमिटेड। फ्यूचर में बढ़ने वाले पेनी शेयर की लिस्ट में तीसरी कंपनी के सैकसॉफ्ट लिमिटेड है। इस कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 1000 करोड़ है और शेयर प्राइस 336 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यह पेनी स्टॉक कंपनी आईटी सेक्टर में काम करती है, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन प्रदान करती है। यह कंपनी यूएसए और यूके जैसे देश के व्यापार में काम करती है।
सैक्सॉफ्ट लिमिटेड कंपनी की तरह आईटी सेवा प्रदान करती है, जैसे कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, क्लाउड सॉल्यूशन, मोबाइलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशन। इनका व्यापार काफ़ी डाइवर्सिफाई है, इसलिए कंपनी को एक ही प्रोडक्ट या सर्विस पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के अच्छे तिमाही नतीजे पेश करने की उम्मीद है, कर्ज को लगातार कम कर रही है, अब यह लगभग डेट की कंपनी बन चुकी है। इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद इसकी सेल्स ग्रोथ बढ़िया है। लंबे समय में सैक्सॉफ्ट लिमिटेड कंपनी की पेनी स्टॉक की बढ़ने की संभावना है। अगर फ्यूचर में कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो शेयर सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला मल्टीबिगर स्टॉक बना सकता है। फोर्थ नंबर पर है इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो सबसे अच्छे पेनी शेयर की लिस्ट में अगला स्टॉक है इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सबसे अच्छी पेनी शेयर की लिस्ट में अगला स्टॉक है इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 1400 करोड़ है और शेयर प्राइस लगभग 467 रुपए के आसपास है। इन्फोबीन्स में आईटी सेक्टर का ही सबसे अच्छा पेनी स्टॉक है। यह कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेवाएँ प्रदान करती है। आईटी सेवाओं में यह कंपनी मुख्य दो प्रकार की सेवा प्रदान करती है। पहला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। यह दोनों ही आधुनिक तकनीकी पर आधारित सेवाएं हैं, इसमें कंपनी का काफ़ी लंबा अनुभव है। जी हां, यह पेनी स्टॉक फ्यूचर में मल्टीबिगर बनने की पोटेंशियल रखता है, जिसे आप इन पॉइंट्स के जरिए समझ सकते हैं। तो वो पॉइंट्स है, कंपनी की क्वालिटी सूची में अमेरिकन एक्सप्रेस, वेबवर्क, अमेजोन, बायोटेक, ALM मीडिया और को एडवांटेज जैसे बड़े ब्रांड शामिल है। यह 16 फॉर्चून 500 कंपनियों को अपनी सेवा प्रदान करती है। यह अन्य कंपनियों के अधिग्रहण के द्वारा अपने कारोबार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पेनी स्टॉक होने के बावजूद इस कंपनी के रोस और रोय काफ़ी बढ़िया है। पिछले कुछ सालों में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखी गई है। कंपनी लगातार अपना डेट कम कर रही है। इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज एक फंडामेंटली मजबूत पेनी स्टॉक है, जिसके शेयर की कीमत भविष्य में बढ़ने वाली है। इस कीमत वाले पेनी स्टॉक में अभी खरीदारी करने पर फ्यूचर में आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। फिफ्थ नंबर पे है और लास्ट पॉइंट है RPG लाइफ साइंसेस लिमिटेड। फ्यूचर में बढ़ने वाले पेनी शेयर की लिस्ट में अंतिम शेयर है RPG लाइफ साइंसेस। इस कंपनी की मार्केट कैप 1336 करोड़ है और शेयर प्राइस 1251 रुपये के करीब है। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो APIs और फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चर करती है। यह कंपनी RPG ग्रुप के अंदर आती है, जिसके मालिक हर्ष गोयनका जी है। यह ग्रुप बहुत बड़ा है, जिसका कारोबार इंफ्रास्ट्रक्चर, टायर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी और प्लांटेशन सेक्टर्स में फैला हुआ है। अगर बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो इस कंपनी का 62% रेवेन्यू डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन सेगमेंट से, 21% रेवेन्यू INTL फॉर्मुलेशन सेगमेंट से और 70% रेवेन्यू API सेगमेंट से आता है। इतने बड़े ग्रुप का हिस्सा होने के कारण इस कंपनी को एक कंपटीशन एडवांटेज मिलता है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एजरॉन, मोफ्टली, लोमोटील, एरपीमियन, एम्यूटेक, सेरेनेस जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड आते हैं। इन्होंने अपना बायोटेक एपिस बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं करने के कारण इसे 25 करोड़ रुपए में इंटेज फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को बेच दिया है। इस प्रकार अपनी फ्यूचर में पोर्टफोलियो सेगमेंट पर अधिक फोकस कर पाएगी। यह कंपनी लगभग डेट फ्री है, रोस और रोई भी बढ़िया है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ की अपेक्षा इनकी प्रॉफिट ग्रोथ बेहतर है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस कंपनी में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 72% है, जो दिखाती है कि कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी के बिजनेस पर भरोसा है। अगर इन्वेस्टरों लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखते हैं तो यह शेयर फ्यूचर में अच्छी कमाई करके दे सकता है। किसी भी छोटी कंपनी में इतनी अच्छी प्रमोट होल्डिंग होना बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैंने फ्यूचर में बढ़ने वाले पेनी शेयर के लिस्ट में RPG लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक को भी रखा है। ध्यान रहे कि पेनी स्टॉक बहुत ही वोलेटाइल होते हैं, इसलिए इनमें रिस्क भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिस्क ज़्यादा होने के साथ साथ इनमें हाई रिटर्न मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए सोच समझ कर पेनी स्टॉक में उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना आप
रिस्क ले सकते हैं। तो बस आज मैंने आपको फ्यूचर में बढ़ने वाले पेनी शेयर के बारे में बताया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद में आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि वो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन रखे। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। चलो मिलते हैं किस नए वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड वंदे मातरम।